हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 3 न्यू मूवी थीम्स लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही कमाल के थीम्स होने वाले हैं। एक थीम में यहां पर डेप्थ इफेक्ट वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन में, तो काफ़ी कूल थीम्स हैं। और सभी में यहां पर MIUI 13 एंड MIUI 14 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो ये हमारा फर्स्ट थीम आप देख सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आइकॉन से यहाँ पर स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो वेट है ये काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो। और इसे हम चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमें टैप करना है और ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कलरफुल कंट्रोल सेंटर के साथ आता है ये थीम। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, ट्रांसलेशन बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो सेटिंग्स जो है सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है। और ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, एक ब्यूटीफुल विजेट के साथ आता है। यहाँ पर सेम वॉलपेपर है, और यहाँ पर जो सेटिंग्स का आइकॉन है, इस पर अगर हम टैप करते हैं और जाते हैं आइकॉन ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पर कस्टम आइकॉन को इनेबल कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पर आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं वॉलपेपर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो अब जो आइकॉन्स हैं ये चेंज हो चुके हैं, साथ में जो विजेट है वो भी चेंज हो गया है। तो आप जिस टाइप की वॉलपेपर यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आइकॉन्स यूज करना। साथ में यहाँ पर हम लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम डार्क मास्क ऐड कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल रख सकते हैं। देन यहाँ पर हम क्लॉक की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन यहाँ पर डार्क कर सकते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है हमारा फर्स्ट थीम। तो थीम का नाम है कलर विजन V2/DN और MD G1, और इसकी साइज है 39.2 MB। आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2 पर एक बहुत ही कूल थीम है, कुछ इस टाइप की, एक एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर के साथ आता है, जो कि काफ़ी सही है। आइकॉन से यहाँ पर स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वेट आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क कलर में है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। और अगर हम यहाँ पर डबल टैप करते हैं, तो यहाँ पर वेट चेंज होता है। तो कुछ मल्टीपल विजेट्स यहाँ पर दी गई है, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन बात करें स्टेटस बार की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइकॉन चेंज हुए हैं। और अगर हम जाते हैं कंट्रोल सेंटर पे, तो आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर के साथ आता है ये थीम। इसका जो कंट्रोल सेंटर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो ट्रांसल्यूशन बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की सेटिंग्स का UI देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो कलर है वो चेंज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन बात करें यहाँ पर डार्क मोड की, तो आप देख सकते हो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का लगता है। डार्क मोड में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। और बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ आता है ये थीम। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पर एक स्पेशल लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। विजेट आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और अगर हम यहाँ पर बॉटम साइड में डबल टैप करते हैं, तो हम लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट वाले वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर डेली बेसिस पर वॉलपेपर अनलॉक होता जाएगा, जैसे आप इन्हें ज़्यादा दिन के लिए यूज करते जाओगे। और साथ में यहाँ पर आप खुद के वॉलपेपर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 वॉलपेपर्स यूज करना होगा, एक PNG होगा जो कि टॉप में रहेगा, और एक बैकग्राउंड वॉलपेपर रहेगा जो कि JPG फॉर्मेट में होगा। तो आप यहाँ पर कस्टम डेप्थ वॉलपेपर भी सेट कर पाओगे इस थीम के अंदर। तो काफ़ी कूल लॉक स्क्रीन के साथ आता है हमारा सेकेंड थीम। थीम का नाम है MIUI 19/DN और MD G1, और इसकी सही है 59 MB। आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। और लास्ट थीम है हमारे लिस्ट में फौरी M14/DN आता है, और इसकी सही है 25 MB। होम स्क्रीन की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। विजेट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, एक एनालॉग एंड एक डिजिटल क्लॉक के साथ आता है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के
कूल कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स हैं कूल डीएन के साथ आते हैं और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। और लाइट मोड में यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हो सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे, इसका जो लॉक स्क्रीन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। बॉटम साइड में यहाँ पर विड देखने को मिलता है, काफ़ी मिनिमल एंड डार्क लॉक स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर डबल टैप होते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल्स भी शो होता है, तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है हमारा लास्ट थीम। तो ये थे 3 कूल MIUI थीम्स पोको रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।